नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 10 घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद जहां पार्टी के समर्थक रास्ते पर उतर आए हैं, वहीं उनके पिता दिनेश सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उनके पिता ने मीडिया से बात करते हुए गिरफ्तारी को गलत बताया है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने कहा कि हम हर जगह सहयोग करेंगे। मैंने संजय सिंह को कहा कि चिंता ना करें, मुझे लगता है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उन्हें कोई आधार नहीं मिला, लेकिन ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, इसीलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके सकारात्मक परिणाम जल्द आएंगे क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कोर्ट में आज पेशी होगी। वहीं बता दें कि संजय सिंह के घर पर कई घंटों तक छापेमारी हुई थी, जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की मां भी गुस्से में है। इंटरव्यू के दौरान संजय सिंह की मां ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईमानदार लड़के को अरेस्ट किया गया है, जिसने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है वो बर्बाद हो जाएगा, ये एक मां का श्राप है। वहीं मेरा बेटा ईमानदार है, गरीबों के लिए धरने पर बैठा है, गरीबों की सेवा भी करता है।